हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं रोजगार से संबंधित जो जानकारी के साथ यहाँ उपस्थित हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा से संबंधित है और जिन अभ्यर्थियों ने उच्च एजुकेशन जो शिक्षा होती है, जो हायर एजुकेशन होता है वो प्राप्त किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेटा एनालिसिस है, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आईटी प्रोफेशनल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कुछ रिक्तियाँ ओपन की गई हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने देख सकते हैं कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा की मैंने वेबसाइट करियर डिटेल और टेस्टिंग खोल रखे हैं, यहाँ पे देखिए करियर है, यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये पेज ओपन होता है। इस पेज में सीरियल नंबर 1 पे देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर बड़ौदा टेक्नोलॉजी लिमिटेड अ फुली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोजेक्ट को। तो ये आईटी प्रोफेशनल है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वैकेंसीज 25 है और लास्ट डेट अप्लाई करने की 2 सितंबर 2019 है। ऑनलाइन फॉर्म आप यहाँ से भर सकते हैं। मैं अगर इसे ओपन करता हूँ, पहले आप डिटेल एडवर्टीजमेंट के बारे में जान लें। ये इसकी पीडीएफ फाइल है जिसमें आप पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अब इसमें देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर बड़ौदा टेक्नोलॉजी लिमिटेड अपली ऑन सब्सिडियरी ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। ये कंपनी है, देख सकते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, 25 पोस्ट हैं। लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया है, अब इसमें देखिए पोस्ट कौन कौन सी है। डाटा एनालिस्ट, डाटा मैनेजर, डाटा इंजीनियर, बिजनेस एनालिस्ट, मोबिलिटी एंड फ्रंट एंड डेवलपर, इंटीग्रेटर, इंटीग्रेशन एक्सपर्ट, एमओजी टेक्नोलॉजीज एक्सपर्ट, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट, ये हैं। और वैकेंसीज क्या है, डाटा एनालिसिस के 4, डाटा मैनेजर की 2, डाटा इंजीनियर की 4, बिजनेस एनालिस्ट 2, मोबिलिटी एंड फ्रंट एंड डेवलपर 6, इंटीग्रेशन एक्सपर्ट 2, एमओजी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट 4 और टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट 1। और इनके ऊपर देखिए मिनिमम 25 और मैक्सिमम 40 है। अब यहाँ पे उसकी नेक्स्ट डिटेल आप यहाँ से देख ले सकते हैं। ये देखिए इसका डेटा एनालिसिस का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी स्किल रिक्वायरमेंट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, एज आपको बता ही चुके हैं। प्रपोज सीटीसी क्या है, देखिए एनुअल सीटीसी 12 लाख से 16 लाख रुपए है। नेचर ऑफ एंगेजमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 3 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा। और एंगेजमेंट एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे इसके नीड है या नहीं है। लोकेशन कहाँ रहेगी, मुंबई। तो ये पूरी डिटेल आपको मिल गई डेटा एनालिस्ट के बारे में। इसके आप देखिए क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री क्वांटिटेटिव फील्ड यानी मैथमेटिक्स, स्टेटस क्वांटिटेटिव मेथड्स, कंप्यूटर साइंस, ऑपरेशनल रिसर्च एंड इकोनॉमिक्स फ्रॉम AICTE UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डेटा एनालिसिस प्रेफरली इन BFSI डोमेन। BFSI डोमेन पर प्रेफरली काम किया हो, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास। ऐसे ही हर एक पोस्ट के बारे में आपको डिटेल जानकारी आगे दी हुई लिंक से मिल जाएगी। जैसे मैं टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट यानी TA पर क्लिक करूँगा तो इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देखिए यहाँ पर आ गई। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल रिक्वायरमेंट,
educational qualification, age, nature of engagement, location of पोस्ट। किसके सीटीसी 16 से 20 लाख रुपए सालाना है। तो फ्रेंड्स, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उस लिंक के सामने आप क्लिक करेंगे, उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टिंग के आधार पर किया जाएगा, या क्वालिफाइंग टेस्ट भी हो सकता है, पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन, ये ऑप्शंस भी इसमें हैं। ये आपको सिलेक्शन प्रोसीजर में जो पॉइंट्स दिए गए हैं कुछ, इस आधार पर सिलेक्शन होगा। अप्लाई करने के लिए जो लिंक मैंने आपको careers.stm पे दिखाया था, उसी पे उस लिंक पर क्लिक करेंगे, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस आपको आवेदन फीस जमा करनी है, 600 रुपये जनरल ओबीसी के लिए है, 100 रुपये SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, ये आपका लिंक है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करने के लिए। ये देखिए, यहाँ से आपको पोस्ट चूज करनी है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके पश्चात आपको अपना नाम, एड्रेस, मेल, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, एज, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी प्रक्रिया, 10th 12th, टाइप ऑफ डिग्री, PG, और ये पूरा डिटेल फिल करने के बाद स्किल्स भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो बहुत ध्यान से इस फॉर्म को भरिए, और सबमिट करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अप्लाई आपको करना है, फॉर्म आपको फिल करना है। मेन चीज़ ये है कि आपके पास एक ईमेल आईडी जो आप इसमें डालोगे वो वैलिड होनी चाहिए, जो आप रेगुलर यूज़ करते हो, मोबाइल नंबर साथ में। और दूसरा, रिज्यूम, देखिए रिज्यूम अपलोड करने का है, और यहाँ फोटो और सिग्नेचर, इनकी साइज़ देख लीजिए, साइज़ और टाइप। साइज़ 200 KB है, JPG है, यहाँ पर 2 MB की रिज्यूम है और PDF है। तो फ्रेंड्स, आप एक फॉर्म फिल करके इसमें अपना करियर बना सकते हैं। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको यहाँ दी है वो आपके लिए पर्याप्त होगी। और अधिक जानकारी आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं, PDF फाइल से ले सकते हैं। मेन जानकारी मैंने आपको बता दिया है। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें। जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सकती है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।